हाय गाइस, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज का वीडियो है हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर। चलिए लेट्स बिगिन। देखते हैं सबसे पहले कि आज की वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, फिर हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, थर्ड हम पढ़ेंगे टेस्टिस के बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो कितने तरीके का होता है। रिप्रोडक्शन मेनली दो तरीके का होता है, एक होता है एसेक्सुअल और एक होता है आपका सेक्सुअल। ठीक है, तो जो एसेक्सुअल होता है ये होता है मेनली प्लांट्स में, इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो ये तो जो प्लांट्स में होता है और जिसमें एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, तो ये तो होता है हमारा एसेक्सुअल। लेकिन ह्यूमंस में एसेक्सुअल नहीं होता। ह्यूमंस में जो रिप्रोडक्शन होता है वो होता है सेक्सुअल। सेक्सुअल का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक तो मेल चाहिए और एक फीमेल चाहिए। ठीक है, तो जब मेल और फीमेल यूनाइट होंगे, जब इनके बीच में इंटरकोर्स होगा, सेक्स होगा, उसके बाद ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन होता है। तो ह्यूमंस में जो रिप्रोडक्शन होगा वो होगा सेक्सुअल। ठीक है, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? रिप्रोडक्शन का मतलब अपने ही जैसा एक ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना, अपने ही जैसा एक ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना, जैसे ह्यूमन है तो एक और ह्यूमन प्रोड्यूस करना, तो इसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन, अपने ही जैसा एक प्रोड्यूस करना। अब देखते हैं ह्यूमंस में प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन से हैं। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ह्यूमंस में जो हैं वो हैं आपके गोनैड्स। गोनैड्स क्या होते हैं? गोनैड्स होते हैं टेस्टिस और ओवरी को बोलते हैं गोनैड्स। अभी क्या है, मेल्स में होता है टेस्टिस, ये होता है, देखिए ये है टेस्टिस, ये होता है मेल्स में टेस्टिस। तो ये सबसे प्राइमरी इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है मेल का। अब ये क्यों है सबसे प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट मेल का? क्योंकि ये टेस्टिस प्रोड्यूस करता है स्पर्म। ठीक है, तो ये असली जो सेक्स सेल है, मेन मेल सेक्स सेल, वो प्रोड्यूस कौन करता है? वो प्रोड्यूस करता है टेस्टिस। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट है। एक स्पर्म, देखिए ये है फोटो, ये स्पर्म है, और एक एग मिलके, ये एग की फोटो है, देख सकते हो आप, ये पूरा जो बड़ा हुआ, आप बड़ा सा आपको बॉल सी दिखाई दे रही है, ये एग है। ठीक है, ये क्या होता है, एग फीमेल का सेक्स सेल है। ठीक है, तो ये तो होता है फीमेल के अंदर और ये होता है मेल के अंदर। तो मेल का जो सेक्स सेल है वो है आपका स्पर्म, फीमेल का सेक्स सेल क्या है आपका, वो है एक एग। तो जब एक स्पर्म और एक एग मिलता है तो इनका जो फ्यूजन होता है उससे जाइगोट बनता है। ठीक है, यही जाइगोट आगे जाके क्या बनता है, बेबी। ठीक है, जो ह्यूमन का ऑफस्प्रिंग है, जो ह्यूमन का बच्चा है आगे, वो मेल स्पर्म और फीमेल के एग के मिलने से बनता है। ये देखिए छोटा सा आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये स्पर्म है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये स्पर्म है, ये स्पर्म इससे मिलने जा रहा है, इस एग से फर्टिलाइज करेगा इसको। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ लीजिए। तो जो स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं मेल में वो तो होते हैं टेस्टिस के अंदर, ये जो मैंने आपको दिखाया ये टेस्टिस है मेल में। और फीमेल में एग कहाँ प्रोड्यूस होता है? फीमेल में एग प्रोड्यूस होता है ओवरीज में, ये ओवरी होती हैं, ये दो ओवरीज हैं, देखिए फीमेल में ये दो ओवरीज हैं, ये एग प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, लेकिन ये फीमेल में जो ओवरीज होती हैं ये फीमेल की बॉडी के अंदर होती है। ठीक है, ये बाहर नहीं होती। लेकिन मेल में अगर आप देखेंगे तो मेल में जो टेस्टिस होते हैं उनके बॉडी के बाहर होते हैं। ठीक है, बॉडी से नीचे सैक करते हैं, बॉडी से नीचे की तरफ लटकते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। यहाँ पे भी दो हैं, जैसे इनके में दो ओवरीज हैं फीमेल में, ऐसे ही मेल में दो टेस्टिस होते हैं। टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करते हैं? स्पर्म। फीमेल में ओवरी क्या प्रोड्यूस करती है? एग्स। फिर जब स्पर्म और एग मिलते हैं तो जाइगोट बनता है, यही जाइगोट आगे जाके क्या बनता है, बेबी बनता है। ठीक है, तो ये जो गोनैड्स हैं, गोनैड्स का मतलब टेस्टिस ओवरी है, यही सबसे प्राइमरी इनका रिप्रोडक्टिव पार्ट है। क्योंकि ह्यूमंस में ये टेस्टिस और ओवरी यही तो प्रोड्यूस कर रहे हैं आपके सेक्स सेल। सेक्स सेल क्या है फिर? स्पर्म्स और एग। उसके बाद ये प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, ऐसे ही
एक्सेसरी, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी होते हैं ह्यूमंस में भाई। इनका नाम अगर प्राइमरी रखा है तो प्राइमरी इसलिए है ना कुछ कोई सेकेंडरी भी होगा, तो ऐसे ही सेकेंडरी की जगह इनको बोलते, यहाँ पे बोलते हैं एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। अब एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या होते हैं? ये वो पार्ट्स होते हैं जो हेल्प करते हैं स्पर्म्स और एग्स के मिलने में। एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स वो होते हैं जो हेल्प करते हैं स्पर्म्स और एग्स के मिलने में, ठीक है? अभी आगे देखेंगे इनके बारे में। अच्छा, एक फैक्ट है कि जो एक टेस्टिकल होता है, ये जो एक टेस्टिकल है ये 1 घंटे में प्रोड्यूस करता है 4 मिलियन, 4 मिलियन होता है 40 लाख पर आर। 1 घंटे में 40 लाख स्पर्म्स प्रोड्यूस करता है टेस्टिकल, ठीक है? तो देखने में सुनने में कितना बड़ा लग रहा है, 40 लाख 1 घंटे में। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है, जब एक बार में मैन इजैकुलेट करता है, इजैकुलेट मतलब स्पर्म्स को बाहर रिलीज करता है, ठीक है? स्पर्म्स कहाँ से रिलीज होते हैं मेल में? पेनिस से, ठीक है? ये पेनिस है, यहाँ से मेल के स्पर्म्स बाहर रिलीज होते हैं। तो एक बार में जब मेल स्पर्म्स रिलीज करता है, इजैकुलेट करता है, इसको इजैकुलेशन बोलते हैं, तो एक बार में जब मेल के पेनिस से जब स्पर्म्स बाहर निकलते हैं, इजैकुलेट होते हैं, तो कितने होते हैं, ठीक है? कितने होते हैं, एक अंदाज़ा, मैं अंदाजे के लिए आपको बताता हूँ, 20 से 40 करोड़, ठीक है? 20 से 40 करोड़ स्पर्म्स, 20 से 40 करोड़ स्पर्म्स पर इजैकुलेशन में रिलीज होते हैं, इसीलिए इतना ज़्यादा बनता है ये 40 लाख पर आर, ठीक है? तो एक आइडिया लग रहा है आपको। देखिए, प्रोड्यूस तो पर इजैकुलेशन में कितने होते हैं, 20 से 40 करोड़ स्पर्म्स। ये कहाँ, अब ये जो 20 से 40 करोड़ स्पर्म्स हैं, ये उसमें से सिर्फ एक स्पर्म जाके से फर्टिलाइज करेगा एक को, ये सारे के सारे नहीं कर देंगे जाके, ठीक है? उसमें इन 20 से 40 करोड़ स्पर्म्स में से सिर्फ एक स्पर्म जाके फर्टिलाइज करता है फीमेल के एग को, जिसकी वजह से फिर आगे बेबी प्रोड्यूस होता है। चलिए, अब देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की डेप्थ में, जानते हैं कि मेल का रिप्रोडक्शन कैसे होता है। देखिए, जैसे मैंने आपको बता दिया, सबसे इंपॉर्टेंट जो मेल में प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो है मेल का टेस्टिस। ये रहा टेस्टिस मेल का, ये टेस्टिस है, ठीक है? अच्छा, मैंने आपको बताया था पिछली स्लाइड में कि एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होते हैं। एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या हैं? ये रहे, देखिए, ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये वास डेफरेंस है, ये यूरेथ्रा है, ये सब क्या हैं? ये सेमिनल वेसिकल है, ये सारी की सारी हेल्प करती हैं स्पर्म्स को मिलाने में एक्स से, ठीक है? अभी हम देखेंगे कैसे हेल्प करती है। तो इनको हम बोलते हैं एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। अब जरा देखते हैं कैसे काम करता है ये पूरा। देखिए, ये होता है टेस्टिकल, ये मैंने आपको जो बताया है टेस्टिस, टेस्टिस का जो सिंगुलर फॉर्म है वो टेस्टिकल बोलते हैं। ये एक टेस्टिस है जिसको हम बोलते हैं टेस्टिकल। ये होता किसमें है? ये एक बाहर, एक ये ना एक पाउच से में होता है, ये जो टेस्टिकल आपका एक पाउच से के अंदर होता है। ये जो पाउच होता है, जो कवर, ये लेयर सी आपको दिखाई दे रही है, कवरिंग से दिखाई दे रही है, इसको हम बोलते हैं स्क्रॉटम। इसके अंदर है टेस्टिकल। एक चीज़ और बता देता हूँ, टेस्टिकल्स बॉडी के बाहर होते हैं, मेल में टेस्टिकल्स जो होते हैं ह्यूमन बॉडी के बाहर होते हैं, लेकिन हमेशा से बाहर नहीं होते। जब बच्चा होता है, जब हम पेट के अंदर होते हैं मदर के, तो उस टाइम पे ये ह्यूमन बॉडी में अंदर की तरफ ही होते हैं, ठीक है? जैसे मान लीजिए ये आपका स्टमक है, ठीक है? ये आप ऐसे है ह्यूमन, तो जब आप अपनी मदर के अंदर थे, ठीक है, आप फीटस थे, ठीक है, मतलब एक डेवलपिंग बेबी थे जब आप, तो उस टाइम पे हमारे जो जो टेस्टिस हैं उस टाइम पे बाहर नहीं थे, उस टाइम पे टेस्टिस अंदर की तरफ थे। लेकिन फाइनल स्टेजेस में जब बेबी डेवलप हो जाता है पूरा 9 महीने का, उस टाइम पे फिर ये बाहर की तरफ आ जाते हैं, उस टाइम पे ये बाहर की तरफ आ जाते हैं, बट अदरवाइज ये होते अंदर की तरफ ही हैं। जब फाइनल स्टेज में जब बेबी डेवलप हो रहा होता है, जब 9 मंथ्स के करीब पहुंचने वाला होता है, उस टाइम पे ये टेस्टिस ह्यूमन बॉडी के बाहर आते हैं, ठीक है? तो शुरू से ये बाहर नहीं होते ह्यूमन बॉडी के, स्टार्टिंग में जब बेबी होता है तब वो अंदर ही होते हैं, बाद में फाइनल स्टेजेस में उसकी, जब 9 मंथ का जब वो डेवलप हो रहा होता है तब वो बाहर आते हैं फाइनल स्टेजेस में। अच्छा,
अब ये ह्यूमन बॉडी के बाहर क्यों है टेस्टिस, एक सवाल ये भी उठता है। ये इसलिए बाहर है क्योंकि स्पर्म्स को बनने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री लेसर होता है। ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है हमारा, हमारा बॉडी का जो कोर टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो आप थर्मोमीटर में नापते हो ना, 98 के आसपास आता है, कभी 99 आता है, वो फ़ारेनहाइट है। ठीक है, कन्वर्ट करोगे सेल्सियस में तो उतना ही हो जाएगा। तो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर लगभग इतना होता है, लेकिन इतने टेम्परेचर पे स्पर्म्स जो हैं वो डेवलप नहीं हो पाएंगे, इसीलिए टेस्टिस ह्यूमन बॉडी के बाहर होते हैं। और जो इसका टेम्परेचर होता है वो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस इस टेम्परेचर से क्या होता है, कम होता है, थोड़ा सा ठंडे टेम्परेचर पर डेवलप होते हैं ये, इतने बॉडी के कोर टेम्परेचर पर डेवलप नहीं हो पाएंगे, इसीलिए टेस्टिस बाहर होते हैं। तो ये तो एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है। अब देखिए कैसे ये पूरा सिस्टम काम करेगा। ये रहे आपके टेस्टिस, फिर ये आपका स्कॉटम है जिसके अंदर ये पाउच सा है जिसके अंदर आपके टेस्टिस होते हैं। टेस्टिस के अंदर क्या होगा, स्पर्म्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, यहाँ पे आपके स्पर्म्स प्रोड्यूस होंगे। फिर ये जाके कहाँ स्टोर होते हैं, ये इसमें स्टोर हो जाते हैं, ये एक ट्यूब सी मान लीजिए एपिडिमिस। ठीक है, ये क्या करती है, ये हमारे स्पर्म्स को प्रोड्यूस करती है। देखिए टेस्टिस में जो स्पर्म प्रोड्यूस होता है ना वो क्या होता है, टेस्टिस में जो स्पर्म प्रोड्यूस होगा वो होगा आपका इमेच्योर। ठीक है, वो होता है इमेच्योर। तो जो मैच्योरिटी है वो कहाँ मिलती है, इसको यहाँ मिलती है। तो यहाँ पे आके स्पर्म स्टोर होते हैं और यहाँ पे आके ये कुछ टाइम तक के लिए मैच्योर होते हैं। तो जो मैच्योरिटी है वो यहाँ पे ये एपिडिमिस में आके स्पर्म्स को मिलती है। डेवलपमेंट एक तरीके से समझ लीजिए, इमेच्योर से मैच्योर होते हैं यहाँ पे, और यहीं पे ये काफ़ी टाइम तक स्टोर रहते हैं। उसके बाद देखिए ये ट्यूब सी है, ये ऊपर जा रही है, ये जो ट्यूब है ये एपिडिमिस, ये मैंने आपको बताया था ये तो एपिडिमिस है। फिर यहाँ से एक ट्यूब जा रही है ऊपर की तरफ, इस ट्यूब को क्या बोलते हैं, इस ट्यूब को बोलते हैं वास डेफरेंस। क्या बोलते हैं इस ट्यूब को, वास डेफरेंस। कई बुक्स में इसको स्पर्म डक्ट भी लिखा होता है। तो ये ट्यूब क्या है, ये आपकी वास डेफरेंस है। फिर ये ट्यूब कहाँ जा रही है, देखिए ये ट्यूब ऐसे गई, ये गई, ये गई, ये गई, अब ये ट्यूब इधर आ गई। अब तीन ग्लैंड्स होते हैं जो काफी हेल्प करते हैं स्पर्म्स के मूवमेंट में। ठीक है, अभी वो तीन ग्लैंड कौन से हैं, पहला ग्लैंड है आपका सेमिनिकल वेसिकल, दूसरा ग्लैंड है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, एक ग्लैंड और होता है ये इस पिक्चर में नहीं दिखाया है, वो इधर की साइड होता है, जिसको हम बोलते हैं कॉपर्स ग्लैंड। क्या बोलते हैं इसको हम, इसको हम बोलते हैं कॉपर्स ग्लैंड, ये बुक में नहीं दिखाया, इधर की साइड होता है, वो छोटा सा होता है। कई बुक्स में इसको बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड भी बोला जाता है, कई बुक में इसका नाम है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। तो तीन ग्लैंड होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनिकल वेसिकल ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड। अब ये तीनों ग्लैंड क्या काम कर रहे हैं, देखिए ये जो स्पर्म यहां से यहां तक आया, देखिए स्पर्म कहाँ प्रोड्यूस हुआ, टेस्टिकल में, मैच्योर कहाँ हुआ, ये एपिडिडिमिस में, फिर ये यहां से निकल के जाएगा स्पर्म डक्ट में, ये वैस डेफरिन या स्पर्म डक्ट में जाएगा, यहां से निकलता हुआ यहां पहुंचेगा। जब ये यहां पहुंचेगा ना तो ये बहुत स्लगिश होता है, स्लगिश मतलब लेजी सा होता है, उसके अंदर इतनी एनर्जी इतनी फुर्ती नहीं होती। तो जो सेमिनिकल वेसिकल है, ठीक है, ये क्या करेगा, ये कुछ फ्लूइड प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करेगा, ये एक फ्लूइड प्रोड्यूस करेगा और इसको उस फ्लूइड से नरिशमेंट मिलती है। ठीक है, जैसे आप खाना खाते हैं नरिशमेंट मिलती है ना, वैसे ही ये ऐसा फ्लूइड प्रोड्यूस करता है जो इस स्पर्म को नरिशमेंट देता है, उसको एक्टिव, उसको लेजी से एक्टिव बनाता है। ठीक है, फिर ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो ब्राउन कलर का है ये क्या करता है, ये इसको एल्कलाइन बनाता है। अब इसे एल्कलाइन क्यों बनाता है, क्योंकि देखिए जब आगे ये जो आपका स्पर्म डक्ट है आगे जाके मिलता है, ये जो पिंक कलर का दिखाई दे रहा है आपको ऐसे, ये है यूरेथ्रा। ठीक है, ये जो पूरा एरिया है ना ये काफी क्या होता है, एसिडिक होता है। ठीक है, एसिडिक होता है, एसिडिक क्यों होता है, क्योंकि यूरिन भी यहीं से निकलता है और यूरिन एसिडिक होता है। ठीक है, तो ये पूरा एरिया होता है एसिडिक। अब प्रोस्टेट ग्लैंड स्पर्म, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है, स्पर्म को बनाता है एल्कलाइन, ताकि ये इस एसिडिक एनवायरनमेंट में यहां जा रहा है इसको क्या कर पाए, इसको टॉलरेट कर पाए, इसको सह पाए। अब और एक
क्या रीजन है इसको एल्कलाइन बनाने का? जब स्पर्म्स इनसाइड द वेमेन बॉडी जाते हैं, जब इनसाइड द वेजाइना जाएंगे, तो वेजाइना का जो एनवायरनमेंट है वो एसिडिक है, ठीक है, तो वहाँ पे भी उनको बचने के लिए, सर्वाइव करने के लिए स्पर्म्स को एल्कलाइन बनाना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये जो एल्कलाइन नेचर प्रोवाइड कर रहा है स्पर्म्स को, कौन प्रोवाइड कर रहा है? प्रोस्टेट ग्लैंड। अब फिर एक कॉपर ग्लैंड क्या काम कर रहा है? कॉपर ग्लैंड भी मोटा मोटा प्रोस्टेट ग्लैंड के जैसा ही काम करता है, और ये इस स्पर्म्स को क्या बनाता है, थोड़ा सा लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। लुब्रिकेशन से क्या होता है, फ्रिक्शन कम होता है, ठीक है। जैसे कि आप अपने टायर, आपकी जो गाड़ी होती है उसमें आप मोबिल ऑयल डालते हैं, उसका काम, वो भी एक तरीके का लुब्रिकेंट है, ठीक है, तो वो फ्रिक्शन कम करता है। तो यहाँ पे सेम काम हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि जो स्पर्म्स हैं वो इजीली यहाँ से निकल जाएं, ठीक है, तो उसको लुब्रिकेशन जो प्रोवाइड करने का काम है, फ्रिक्शन कम करने का काम है, वो कॉपर ग्लैंड प्रोवाइड करता है अपने फ्लूइड के थ्रू, एक फ्लूइड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। सेमिनिकल वेसल, कॉपर्स ग्लैंड और प्रोस्टेट ग्लैंड, ये तीनों ग्लैंड मिलके, इन तीनों ग्लैंड को एक्सेसरी ग्लैंड भी बोला जाता है, तो ये तीनों ग्लैंड मिलके एक फ्लूइड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जो काफ़ी, जो फ्लूइड नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, एल्कलाइन नेचर प्रोवाइड करता है, और लुब्रिकेशन देता है स्पर्म्स को। तो ये स्पर्म्स प्लस ये जो फ्लूइड प्रोड्यूस हुआ है, फ्लूइड प्रोड्यूस हुआ है कहाँ से? आपका सेमिनिकल वेसल, सेमिनल वेसिकल से, प्लस आपका प्रोस्टेट ग्लैंड से, प्लस आपका कॉपर्स ग्लैंड से, ठीक है। तो ये चीज, स्पर्म्स प्लस फ्लूइड प्रोड्यूस बाय ये तीनों ग्लैंड से, एक्सेसरी ग्लैंड, स्पर्म्स प्लस फ्लूइड प्रोड्यूस बाय एक्सेसरी ग्लैंड, इसको बोलते हैं सीमेन, ठीक है। तो फाइनली जो आपके पेनिस से निकलता है वो क्या निकलता है? वो सीमेन निकलता है, ठीक है। आपके पेनिस से फाइनली जो निकलता है सीमेन निकलता है। सीमेन क्या क्या कंटेन करता है? स्पर्म्स और कुछ फ्लूइड जो प्रोड्यूस होते हैं एक्सेसरी ग्लैंड से। तो अब आपको समझ में आ जाएगा ओवरऑल किस तरीके से ये पूरा फंक्शन काम करता है। दोबारा देख लेते हैं, यहाँ टेस्टिस है, टेस्टिस में क्या हुआ? प्रोडक्शन हुआ स्पर्म्स का। स्पर्म्स कहाँ पे आ गए? एपिडिडिमिस में। एपिडिडिमिस में क्या हुआ? ये मैच्योर हुए, कुछ टाइम तक स्टोर रहे, फिर ये ऊपर गए कहाँ से? वास डिफरेंस से, स्पर्म डक्ट से। फिर ये इधर आएंगे, इधर आएंगे तो सेमिनिकल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर ग्लैंड, ये तीनों फ्लूइड देंगे, तो स्पर्म्स फ्लूइड को मिला के क्या बन जाता है? सीमन। और ये सीमन कहाँ से निकलेगा? यूरेथ्रा से बाहर निकलता है पेनिस के थ्रू, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। फाइनली देखते हैं अब स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस किस तरीके से है। ये देखिए एक 3D स्ट्रक्चर है टेस्टिस का, कि अंदर से टेस्टिस कैसे दिखाई देता है। ये इस तरीके से दिखाई देता है। ये आप देखेंगे इस टेस्टिस के अंदर ये काफ़ी सारे कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स हैं। ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर क्या हैं? ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर ही वो स्ट्रक्चर्स हैं जिसके अंदर स्पर्म्स का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। जो स्पर्म्स का प्रोडक्शन होता है वो इन कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स के अंदर, ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं आपको, इन स्ट्रक्चर्स के अंदर ही होता है। और ये इस तरीके से लोब्यूल्स में डिवाइड होता है, बहुत सारे कंपार्टमेंट्स में, इस तरह टेस्टिस को अगर आप ऐसे ब्रेक करेंगे तो कई सारे कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड है, लोब्यूल्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। और इन कंपार्टमेंट्स के अंदर क्या है? हर एक कंपार्टमेंट के अंदर कॉइल स्ट्रक्चर है। ये कॉइल स्ट्रक्चर क्या है? ये कॉइल स्ट्रक्चर आपकी सेमिनिफेरस ट्यूबूल है, ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब है। इन्हीं ट्यूब्स के अंदर, ये जो कॉइल ट्यूब्स हैं, इन्हीं कॉइल ट्यूब्स के अंदर आपका स्पर्म प्रोड्यूस होता है। अब हम इस ट्यूब को थोड़ा सा बड़ा करके देख रहे हैं। ये देखिए ट्यूब थी टेस्टिस के अंदर, इसको हमने बाहर लिया है। अब देखिए होता क्या है, इस ट्यूब के अंदर ही स्पर्म प्रोड्यूस होता है। ऐसे प्रोड्यूस होता है स्पर्म, स्टार्टिंग इसकी इस तरीके से होती है, और ये धीमे 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 मैच्योर होकर यहाँ पे स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। ये आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैंने आपको दिखाया है कि ट्यूब के अंदर थोड़ा सा एक मॉलिकुलर लेवल पर जब हम देखेंगे तो इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। अगर हम यहाँ पे इसको बड़ा कर दें, एक ट्यूब को हमने लिया है, इसको एक पर्टिकुलर, एक स्ट्रक्चर को, एक पर्टिकुलर पार्ट को अगर हम बड़ा करेंगे तो ऐसे दिखाई देगा। पूरा स्पर्म का प्रोडक्शन है, देखिए किस तरीके से स्टार्टिंग यहाँ से हुई है, फिर यहाँ पे धीमे धीमे डिवीजन डिवीजन होकर यहाँ पे पूरा प्रॉपर स्पर्म बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। अब ये इमेच्योर है, मैंने बोला था ना यहाँ पे इमेच्योर प्रोड्यूस होते हैं टेस्टिस में, एपिडिडिम, ये जो एपिडाइमस है यहाँ पे जाके ये मैच्योर होते हैं। तो एक तो फिर आपका इंपॉर्टेंट इसमें है सेमिनिफेरस ट्यूब, सेकेंड इसमें एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है,
देखिए टेस्टिस का मेन काम क्या होता है, इसका इसके दो मेन काम होते हैं। पहला इसका काम होता है स्पर्म्स का प्रोडक्शन करना, दूसरा इसका काम होता है एक हार्मोन का प्रोडक्शन करना जिसको हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। अब ये टेस्टोस्टेरोन क्या है? टेस्टोस्टेरोन वो हार्मोन है जो मेल को सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड करता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? जैसे ही देखेंगे आप मेल में, जैसे ही उनकी एज 13-14 के आसपास होती है तो उनके बियर्ड आना स्टार्ट हो जाती है, हेयर ग्रोथ बढ़ जाती है, उनकी वॉइस हैवी हो जाएगी, उनका शोल्डर्स ब्रॉड हो जाएंगे, ओवरऑल उनकी बॉडी में जो मसल्स हैं वो बढ़ जाती हैं, फैट कम हो जाएगा। तो ये जो रोल प्ले करता है मैन में सेकेंडरी सेक्सुअल टेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स का, वो करता है टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाता कौन है? टेस्टिस। तो टेस्टिस के दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, याद रखिएगा, पहला है स्पर्म प्रोडक्शन, दूसरा है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का प्रोडक्शन। अब स्पर्म प्रोडक्शन तो यहाँ पे आपने देख लिया, यहाँ पे हो रहा है सेमिफ्यूरस ट्यूब के अंदर, या ये इस तरीके से यहाँ पे कॉइल स्ट्रक्चर्स हैं जो मैंने आपको बताया है, ट्यूब के अंदर ऐसे यहाँ पे होता है, ये स्पर्म आपका बन गया, प्रोडक्शन हो रहा है। इसी के अंदर यहाँ पे सेल्स होते हैं, ये दिखाई दे रहे हैं आपको येलो कलर के सेल दिखाई दे रहे हैं, ये ऐसे, ये कौन से सेल हैं? ये हैं आपके इंटरस्टीशियल और लेडिक सेल, ठीक है, ये हैं इंटरस्टीशियल और लेडिक सेल, यही काम करते हैं, ये जो सेल्स हैं यही काम कर रहे हैं टेस्टोस्टेरोन का, ठीक है ये इस ट्यूब के अंदर ही, ये ट्यूब आ रही है, ये ट्यूब के अंदर ही, ये देखिए ऊपर की साइड है, ये रहे, ये लेडिक सेल्स हैं। तो ये जो लेडिक सेल्स हैं ये करते हैं टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस, और अंदर की तरफ क्या हो रहा है? अंदर की तरफ ये सारा हो रहा है, स्पर्म्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं स्पर्म्स के दोनों काम, टेस्टिस के दोनों काम, स्पर्म का प्रोडक्शन और टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन किस तरीके से यहाँ पे कॉइल स्ट्रक्चर के अंदर होता है, ये इसको हमने मैग्नीफाई करके दिखा दिया है। तो गाइस ये था मेरा आज का वीडियो, काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करें ताकि सबको फ्री इंफॉर्मेशन मिल सके। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।